धरती आबा आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाई गई। न्यूज मिशन में आपका स्वागत है। न्यूज मिशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। रतलाम जिले में बाजना रावटी शिवगढ़ में रैली की अनुमति नहीं मिलने से सैलाना के समीप क्रामांबा ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों ने नृत्य ढोल थाली और कुंडी बजाकर रैली निकाली और जमकर नाचे और सभी आदिवासी भाइयों ने जगह जगह बिरसा मुंडा जयंती मनाई। आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा मात्र 24 साल ही जिंदा रहे थे। उन्होंने साहूकारों जमींदारों जैसे बड़े बड़े सुदखोरों को मनमानी तरीके से आदिवासियों की फसलों के दाम तथा लगान पर रोक लगाने और आदिवासी को लूटने और आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसे रोकने के लिए आवाज उठाई। लेकिन बनिए और साहूकारों ने बिरसा मुंडा के खिलाफ ब्रिटिश सरकार को बताया कि बिरसा मुंडा अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा है और आदिवासी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का रहा। 1894 में सरकार विरोधी आंदोलन करने के आरोप में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। रतलाम से दशरथ खराजी की रिपोर्ट। मुंडा जी को ब्रिटिश हुकूमत ने उनको जेल के अंदर डाल के 25 साल की उम्र में मार दिया था। साथियों, यदि आप लोग आज की तारीख में जो वर्तमान स्थिति है इस स्थिति को देखते हुए अगर नहीं जागे तो आपके साथ भी वही होगा जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है। इसलिए आपको जागना होगा, आपको ये देखना होगा कि आने वाला भविष्य किसके बलबूते पे चलने वाला है। आने वाला भविष्य आज के युवाओं पे निर्भर करता है साथियों। तो आपको यह तय करना होगा कि हमें आगे बढ़कर क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथियों, हम बाजना के अंदर, मैं जो हम बाजना से आता हूँ साथियों, बाजना के अंदर हमने इतना बड़ा कार्यक्रम करने का जो फैसला लिया था, लेकिन ऐसी कुछ समस्या आई जो कि धारा 144 के अंदर हमको जो परमिशन निरस्त कर दी गई और हम वहाँ पे कार्यक्रम नहीं कर पाए और आपके इस आंबा क्षेत्र में आए हैं साथियों। और हम चाहते हैं